साथ बैठक की थी। अब सवाल ये उठता है कि टास्क फोर्स के साथ हुए बैठक में आखिर बात क्या हुई, चर्चा क्या हुई। तो टास्क फोर्स के साथ जो बैठक हुई उसमें होटल्स को खोलने पर विचार किया गया, हालांकि होटल्स तो खुले ही हुए हैं, समय बढ़ाने को लेकर विचार किया गया और आज हो सकता है होटल, रेस्टोरेंट और मॉल को लेकर SOP जारी कर दिया जाए। धार्मिक स्थल को लेकर भी नए नियम जारी हो सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार आज नए दिशा निर्देश जारी करेगी। वहीं जहां वर्षा गायकवाड़ जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ऐलान किया था कि स्कूल को 17 अगस्त से शुरू किया जाएगा, लेकिन टास्क फोर्स की बैठक में डॉक्टर्स ने कहा है कि स्कूल और धार्मिक स्थल खोलने में जल्दबाजी ना करें। स्कूल दिवाली के बाद शुरू करने की सलाह दी है। तो अब देखना यह है कि आज जो SOP जारी किए जाएंगे उसमें क्या 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 निर्णय लिया जाएगा, क्या नए दिशा निर्देश, किन चीज़ों को किन किन क्षेत्रों में राहत दी जाएगी। वहीं टास्क फोर्स की बैठक में तीसरी लहर के भी बारे में चर्चा की गई कि किस तरीके से तैयार किया जाए, स्वास्थ्य विभाग को किस तरीके से और दुरुस्त किया जाए, इन सब चीज़ों के मद्देनज़र चर्चा हुई। साथ ही प्रतिबंधों जो लगाए गए हैं, पाबंदियां, उनको लेकर भी चर्चा हुई। स्कूल को लेकर भी अहम चर्चा हुई। अब देखना यह है कि आज टास्क फोर्स जब SOP जारी करेगी, आज जब महाराष्ट्र सरकार SOP जारी करेगी, जब नए गाइडलाइन जारी करेगी, तो उसमें जनता को और होटेलियर्स को किस हद तक राहत दी जाती है।